क्लास 8 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज एक्सरसाइज 8.3 का पार्ट 1 अपन ने पहले कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिए थे, 1 to 6। आज अपन 7 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है ये ब्लैक अक्षरों से। लेकिन स्टार्ट करने से पहले दो लाइनें आपके लिए। जिंदगी जीने का मकसद खास होना चाहिए और अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। जिंदगी में खुशियों की कोई कमी नहीं, बस जीने का अंदाज होना चाहिए। मैं विवेक पथरिया पीवीएस लर्निंग में आपका स्वागत करता हूं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मारिया 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 इन्वेस्टेड रुपीज 8,000 इन ए बिजनेस, ठीक है ना, 8,000 उन्होंने इन्वेस्ट किया। सी वुड बी पेड इंटरेस्ट, उन्होंने कितना इंटरेस्ट दिया इस पर, 5% पर एनम, एनम का मतलब होता है ईयरली, कंपाउंड एनुअली। तो पहला अपन को निकालना है द अमाउंट क्रेडिटेड अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर, सेकंड ईयर का निकालना है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा कह रहा है द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, तो निकाल लेते एक एक करके। सबसे पहले पहला वाला जो कह रहा है अपन को वो निकालेंगे, तो ध्यान से देखना आपको क्या कह रहा है। ये अमाउंट क्या हो जाएगा आपका, पी वन प्लस आर अपॉन 100 और ये हो जाएगा टाइम टी। अगर आप चाहते हो तो यहां पर लिख सकते हो P क्या है आपका रुपीज 8,000, उसके बाद आपका कहां गया भाई साहब, ये रे R, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है आपकी 5% और टाइम कितना दे रखा है आपको 2 दे रखा है। बस ये सब लिख लिया, उसको यहां चिपका दो। तो देखो यहां पर इसको चिपकाओ यहां पर, तो ये हो जाएगा 8,000 वन प्लस आर कितना है आपका 5% और ये परसेंटेज का ही यहाँ पर 100 लगता है नीचे, तो ये हो जाएगा आपका 100 और टाइम कितना आ गया 2 आ गया। इसको सॉल्व करो, अंदर एलसीएम ले लो, कितना आ रहा है 8,000 इंटू 105 अपॉन 100 इंटू 105 अपॉन 100। अंदर आप एलसीएम लोगे ना तो क्या बचता है, देखो यहाँ पर एलसीएम लोगे तो 100 प्लस 5 105 अपॉन 100 और स्क्वायर दे रखा है मतलब डबल बार, तो 105 अपॉन 100। इसको सॉल्व करो, देखो ये कट रहा है आपका 21/25 से कट रहा है, ये भी कट रहा है 21/20। इसको पूरा सॉल्व करो तो ये आ रहा है रुपीज 8820। ये तो पहले वाला अपन ने सॉल्व किया ना वो आया, अब सेकंड वाला करेंगे नेक्स्ट। देखो सेकंड वाला देखना, पहले वाले से इंटरलिंक सेकंड वाला, कैसे द अमाउंट क्रेडिटेड अगेंस्ट हर रिटर्न नेम कौन से ईयर पे निकाला था, सेकंड ईयर पे। तो सेकंड ईयर तक आपका ओरिजिनल अमाउंट प्लस टैक्स कितना आया, टैक्स मतलब ये इंटरेस्ट कितना आया 8820 है ना, ये आपका टोटल था विद इंटरेस्ट। अब ये कहना थर्ड ईयर का, तो वही तो आएगा आपका टोटल वाला जो अभी आया था 8820। तो देखो यहां पर क्या करना है आपको, ये आपका सेकंड वाले में क्या करना है एस आई है ना, ये क्या हो जाएगा P इंटू आर इंटू टी। अब आपको यहां पर समझना है, जो समझने वाली बात है कि अब प्रिंसिपल कितना होगा, अब प्रिंसिपल आपका होगा जो अमाउंट दे रखा प्लस उसका जो अपन ने इंटरेस्ट निकाला था वो आपका टोटल ये होगा, मतलब 8820 इस बार आपका प्रिंसिपल होगा थर्ड ईयर के लिए। और एक चीज और, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही 5 हो जाएगी, ठीक है ना, उसी का नीचे 100 आ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट का। टाइम सबसे बड़ी चीज है, टाइम दो ईयर का तो अपन ने यहां निकाल लिया, तो एक ही तो साल बचा थर्ड ईयर का, एक ही तो साल है। यहां पर आपको 1 लिखना है, ध्यान रखना यहां पर गलती हो जाती है हमसे, हम 3 लिख देते हैं यहां पर है ना, टाइम की जगह हम लिखते हैं 3 ईयर, तो यहां पर 3 गलत हो जाएगा, 3 नहीं है वो, टोटल नहीं निकलवा रहा है, लास्ट का एक ईयर बच रहा है ना वो निकलवा रहा है। तो इसको सॉल्व करो, देखो 0 से 0 कट गया, 5 से ये कट गया 2 और 882 कट गया आपका 2 से 441, तो आपका आंसर आया रुपीज 441, ये आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान से देखना थोड़ा सा, ये 3-4 स्टेप में कंप्लीट होगा, 3-4 स्टेप लगेगी इसमें। फाइंड द अमाउंट, पहले तो आपको कह रहा है अमाउंट निकालो, फिर कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है आपको ऑन 10,000, मतलब आपको प्रिंसिपल गिवन है और टाइम आपको गिवन है 1.5 साल गिवन है, मतलब 1/2 और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है 10% पर एनम,
उसके बाद ये कह रहा है कंपाउंड एंड हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली की कंडीशन मैंने आपको बता रखी है, अभी वापस बता दूंगा। वुड दिस इंटरेस्ट बी मोर देन द इंटरेस्ट ही वुड गेट इफ इट वॉज कंपाउंडेड एनुअली। तो आपको इसका टोटल इंटरेस्ट बताना है, सीआई बताना है। तो पहले देखो एक एक करके चीजें करेंगे इसके अंदर। सबसे पहले आपको जो जो दे रखा है ना गिवन वो लिख दो। प्रिंसिपल कितना गिवन है 10,000 रुपीज में, और उसके बाद आपको टाइम कितना दे रखा है 1/2। तो उसके बाद आपको क्या दे रखा था, ये हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है आपको 10%। कंडीशन क्या दे रखी है आपको हाफ ईयरली, ये तो ईयरली की है, लेकिन अगर आपको हाफ ईयरली की कंडीशन पूछ रहा है तो हाफ ईयरली की चेंज हो जाएगी कंडीशन। हाफ ईयरली की कंडीशन क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल में नो चेंजेस, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, लेकिन जो टाइम है हाफ ईयरली की कंडीशन में टाइम आपका डबल हो जाता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी आधी हो जाती है, हाफ हो जाती है। तो टाइम क्या हो जाएगा आपका, इसका डबल क्या हो जाएगा, डेढ़ का डबल कितना 3 ईयर्स, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी आपकी, हाफ हो जाएगी 5% हो जाएगी, क्योंकि देखो आपको हाफ ईयरली कह रहा है, बस खत्म टाटा बाय बाय। अब लगा दो इसके अंदर आप अमाउंट का फॉर्मूला। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P1+R/100, और यहां पर टाइम चिपका दो। अमाउंट कितना है आपका 10,000 है, 1+ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी 5 है, और टाइम कितना आपका 3 ईयर है। तो देखो इधर ध्यान से देखना, 10,000 ये कितना हो जाएगा आपका into 105 upon 100। समझ में आ रहा है, अंदर एलसीएम लोगे ना 100+5 105, और 3 टाइम है तो 3 टाइम लिख दिया अपन ने। इसको कट करो, देखो ये 00 से 00 कट रहा है, 00 से 00 कट रहा है, 5 से ये कट रहा है 21, और ये हो रहा है 20। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आपका 11576.25। ये तो आपका अमाउंट आया है इसको कैलकुलेट करने के बाद। अब अपन यहाँ से सीआई निकाल लेंगे, नेक्स्ट करते हैं। अब अपन ने अमाउंट निकाला, अब आपको निकालना सीआई। तो सीआई कैसे निकालेंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दो। अमाउंट कितना आया था 11576.25, और प्रिंसिपल कितना आपका, आपके इस स्कूल के प्रिंसिपल नहीं है ये दूसरे प्रिंसिपल भाई साहब है, 10,000 माइनस कर दो इसमें से। तो ये कितना आ रहा है आपका 10,000 माइनस करने पर 1576.25 रुपीज, ठीक है ना, ये आपका सीआई आ रहा है। अब आप ये अपन ने यहां तक काम कंप्लीट किया अभी तक, बस यहां से लेके यहां तक। अब आगे और कह रहा है, वुड दिस इंटरेस्ट बी मोर देन द इंटरेस्ट ही वुड गेट। अब अपन को और आगे काम करना है इस पर। द अमाउंट ये कहना क्या चाह रहा है बताता हूं। द अमाउंट ऑफ द फर्स्ट ईयर, अभी अपन ने क्या निकाला कंपाउंड, मतलब हाफ ईयरली पे निकाला। अब आपको कह रहा है अगर ईयरली पे निकाले तो पहले आपको कितना देर का है 1/2 1/2, तो पहले 1 साल का निकालो फिर आधे साल का अलग से निकाल लेंगे। तो अमाउंट कितना हो जाएगा आपका P1+R/100, और टाइम कितना टी। तो ये क्या हो जाएगा अमाउंट आपका कितना 10,000 × 1+ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है आपकी 10%, ये एनुअली है ध्यान रखना, इसको हाफ ईयरली मत लगा देना है ना, और ये टाइम। तो इस पूरे को सोल्व करो आप तो ये आ रहा है 10,000 × 0 से 0 कट गया, तो ये आ रहा आपका टाइम यहाँ पर 1 होगा, ये हो जाएगा 11/10, 0 से 0 कट गया, तो ये आ गया आपका रुपीज 11,000। ये अपन ने निकाला है 1 साल का। अब हाफ ईयरली और निकालेंगे वो एसआई पे निकाल लेंगे, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट देखो आपको क्या कह रहा है, अभी अपन ने 1 ईयर पर निकाल दिया, अब अपना कितना बचा है हाफ ईयर पर। तो एसआई कितना हो जाएगा P×R×T, ये अपन निकाल रहे हैं किस पर, हाफ ईयर पर। तो प्रिंसिपल कितना आएगा आपका 11,000 आएगा। ये चीज समझने की है कि आपका जो अपन ने 1 ईयर पर निकाला था टेकिंग लेंगे किस पर, हाफ ईयर पर। तो ये आपका 11,000 × rate of interest 10, और ये हाफ ईयर पर निकाल रहे हैं। तो इसको सॉल्व करो
तो ये कितना हो रहा है आपका, 10 से 00 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया आपका 1100 अपॉन 2, तो ये आ रहा है ₹550। आप समझ रहे हो आप, ऐसा ही मतलब आपका हाफ ईयर पर इंटरेस्ट आ रहा है 550, और वन ईयर पर कितना होगा, वन ईयर पर देखो फर्स्ट ईयर पर कितना होगा, कितना आया था अपना वन ईयर पर, कितना आया था अमाउंट 11,000, प्रिंसिपल कितना है 10,000, तो इस पर इंटरेस्ट कितना आया आपका, सी आई कितना निकाला था अपन ने, ये हो जाएगा आपका 1,000, वन ईयर पर तो आया आपका 1,000, और हाफ ईयर पर कितना आया 550। यही पूछ रहा था ये कि वुड दिस इंटरेस्ट बी मोर देन द इंटरेस्ट ही वुड गेट इफ इट वॉज कंपाउंड एनुअली, तो टोटल कितना होगा वन ईयर पर और हाफ ईयर पर, तो हाफ ईयर पर ये रहा और वन ईयर पर ये रहा, तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया आपका, टोटल सी आई कितना हो गया, ये रहा 1000 प्लस 550, तो आपका आंसर आ रहा है 1550, ये आपका टोटल इंटरेस्ट है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा अलग टाइप का है, इसके अंदर मतलब निकालने तो वही है लेकिन आपको पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन आ गई है। द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज 54,000 इन 2003 के अंदर, उसकी पॉपुलेशन थी 5%, आपको 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है एनम पर, मतलब एनुअली, और आपको कह रहा है 2001 की बताओ, मतलब 2003 आपको दे रखी है, 2001 आपको बतानी, दो साल पहले की बतानी है आपको। तो देखो इसका कैसे करेंगे, पॉपुलेशन इन 2003 इक्वल टू पॉपुलेशन इन 2001, तो ये क्या हो जाएगा 1 + R/100 और ये टाइम। पॉपुलेशन इन 2003 कितना हो जाएगा आपका 54,000 इक्वल टू पॉपुलेशन इन 2001, ये तो आपको निकालनी है, ऐसे रहने दो इसको, इन 2001 ये कितना हो जाएगा 1 + R कितना आपका दे रखा 5%, ये 100। अब आपको टाइम कितना देना है, 2003 का है 2001 का निकालना, मतलब दो साल का निकालना आपको, तो 2 ईयर हो जाएगा ये, देखो ये 5 से कट रहा है आपका 21, तो ये क्या हो जाएगा पॉपुलेशन 54,000 लिख लो यहाँ पर, इसको ऐसे ही चलने दो अपन, पॉपुलेशन इन 2001 इनटू ये कितना हो जाएगा आपका 20 टाइम कटेगा ये 21/20 इंटू 21/20 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ रहा है पॉपुलेशन इन 2001 क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है 54,000 इंटू 20 इंटू 20 अपॉन 21 इंटू 21। देखो आपन ने क्या किया यहां पर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो आपका आंसर आ रहा है 48979.59 इसको सॉल्व करने के बाद, ठीक है ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, आप इसको अप्रोक्सीमेट ले सकते हो, अप्रोक्सीमेट 48980, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेटली ऐसे करके ले सकते हो। ये तो अपन ने निकाला फर्स्ट वाला, अब अपन को निकालना सेकंड वाला। नेक्स्ट सेकंड वाला इजी है, पहले दो साल पहले का निकलवाया, अब दो साल बाद का निकलवा रहा है, तो इधर देखो ध्यान से, पॉपुलेशन इन 2005 इक्वल टू पॉपुलेशन 2003 की कितनी हो जाएगी, जो दे रखी है अपन को R/100 और ये कितना टाइम, कितनी दे रखी है 2003 की 54,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है आपको 5% और टाइम कितना हो जाएगा, 2003 की है 2005 की पूछ रहा है, वही दो साल हो जाएंगे, तो ये लिख दो इसको, ये काटो इसको, 20 टाइम कट रहा है, तो ये कितना आ रहा है 54,000 इंटू इसको एलसीएम लो, तो ये आएगा 21/20 जीरो से जीरो कट रहा है और ये कट रहा है आपका, तो ये आ रहा है आपका, देखो मेरी बात सुनो, दो साल अपन ने इसलिए लिया यहाँ पर क्योंकि आपको 2003 का पूछ रहा था, दे रखा था सॉरी, और 2005 का आपको निकालना था, इसलिए अपन ने ये निकाला, तो इसको सॉल्व करने के बाद आ रहा 59535, ठीक है ना, सॉल्व करके देखो यही आंसर आएंगे।
तो 2 साल के बाद में कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई, देखो 54,000 थी और 59,535 हो गई। रुपीज नहीं लगाना है, ये तो पॉपुलेशन है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ए स्कूटर, अब स्कूटर तो बंद हो गए, एक्टिवा आ गई, वॉज बॉट एट 42,000, इट्स वैल्यू डिप्रिसिएटेड, डिप्रिसिएटेड का मतलब क्या हुआ, कम हो गई, एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, मतलब 8% कम हो गई। तो अपन को क्या निकालना है, 42,000 तो प्रेजेंट है, तो उससे पहले वाली निकालनी है, तो फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। अच्छा, आफ्टर 1 ईयर मतलब 10% आप 8% आपकी कम हो गई, वो निकालनी है। तो ये हो जाएगा आपको, देखो प्रिंसिपल गिवन है 42,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, जो 1 साल बाद में कम हो गई, और ये हो गई आपका, बस आपको देर का टाइम, टाइम कितना हो जाएगा आपका आफ्टर 1 ईयर, तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इधर देखो ध्यान से, आपका ऐसा ही इक्वल टू, पहले आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लो, उसको माइनस कर देना इसमें से। दो तरीके हैं, ये सिंपल वाला कर लो आप, ज्यादा बेटर है, पी आर टी अपॉन 100। तो पी कितना है आपका 42,000 इंटू आर कितना है आपका 8% और टाइम 1। इसको सॉल्व करो तो देखो 00 से 00 कट रहा है, तो 420 इंटू 8, तो ये क्या हो जाएगा 0, 16, 8, 32 और 33, तो 3,360 आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आया। अब इसमें इसको क्या करो, इसमें से इसको माइनस कर दो, क्योंकि क्या कह रहा है, डिप्रिशिएट कह रहा है ना, तो इसलिए कम होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर क्या हो जाएगा आपका 42,000 माइनस 3,360, ठीक है। तो इसको माइनस करो तो 0, ये हो जाएगा 4, 9 में से 3 गए तो 6, और ये हो जाएगा आपका 11 में से 3 गए तो 8, और ये 3,860। ये आपका 1 साल के बाद में डिप्रेशन होने के बाद, मतलब डिप्रिशिएट होने के बाद 42,000 में 8% का, उसके बाद ये अमाउंट आया, ठीक है। पहले अपन ने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लिया, यहाँ पर ऐसे ही निकाल लिया अपन ने इंटरेस्ट, 3,360 का डिप्रेशन हुआ, उसमें से टोटल अमाउंट में से इसको माइनस करके ये आपका फाइनल आंसर आया। कंप्लीट कोर्स करा रहे हैं आपको, ये आपको पता ही है, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करो, और अपनी फैमिली को बड़ा करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक कमेंट करें, रिप्लाई हम ही करेंगे आपको। सबको स्वस्थ रहे, मस्त रहे, बाय बाय। नेक्स्ट चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे, और ये कंपेयरिंग क्वांटिटीज आज आपका कंप्लीट हो चुका है। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।